गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है आपको कि लोकतंत्र की पुनः वापसी। इसमें सल्वाडोर अलेंदे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो किस तरीके से उनका शासन शुरू हुआ और किस तरीके से उनके शासन को खत्म कर दिया गया। तो सल्वाडोर अलेंदे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंदे थे। वे बेहद नरम दिल और लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। उनके कुछ ऐसे कार्यक्रम थे जो उन्हें ईमानदार और महान राष्ट्रपति में उनकी गिनती करवाता है। उनके कार्यक्रम इस प्रकार थे: शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। अन्य राजनीतिक पार्टियां इन नीतियों के खिलाफ थी। आप समझ रहे हैं कि अलेंदे की जो कार्यक्रम थे वो इतने लोकप्रिय थे कि जैसे कि गरीब किसानों को जमीन बांटना, भूमिहीन को जमीन देना, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, एक तरफ वो देश को भी आगे ले जाना चाह रहे थे, एक तरफ वो गरीबों का भी ख्याल रख रहे थे। तो उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, जमींदार और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। अन्य राजनीतिक पार्टियां इन नीतियों के खिलाफ थी। चिले में एक नाटकीय घटना घटी। नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे तो सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति को पद छोड़ने के लिए कहा। तो आप देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री को पहले ही इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, उसको अपने कब्जे में कर लिया और राष्ट्रपति को कहा कि आप इस्तीफा दो। रेडियो के माध्यम से इसका प्रसारण किया। राष्ट्रपति ने इस्तीफा देने या पद छोड़ने से साफ मना कर दिया। उन्होंने रेडियो पर ही देश के नाम संदेश पढ़ा और लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था को प्रकट किया। उनके आवास को फौज ने चारों तरफ से घेर लिया और बमबारी शुरू कर दी। इस बमबारी में राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंदे की मौत हो गई। अपने मृत्यु से कुछ समय पहले सल्वाडोर अलेंदे ने रेडियो से अपना देश के नाम संदेश पढ़ा था, जिसमें कहा था कि जब कोई तानाशाह देश को अपने शासन में कर लेगा तो इसका यह अर्थ नहीं है कि लोकतंत्र फिर से आएगा, नहीं, लोकतंत्र की फिर से पुनः वापसी होगी। 11 सितंबर 1973 को चिले में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। एक चुनी हुई सरकार को किसी तरह साजिश कर करके उस सत्ता को खत्म कर देना ही सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। इस बगावत की अगुवाई जनरल ऑगस्टो पिनोसे कर रहे थे। इस तख्ता पलट के पीछे अमेरिका की सरकार का भी हाथ था, जो अलेंदे की सरकार को नापसंद करती थी। जनरल ऑगस्टो पिनोसे चिले में 17 वर्ष तक शासन किया। अलेंदे के समर्थकों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, उसे मौत के घाट उतार दिया। पिनोसे ने इस उम्मीद से 1988 में जनमत संग्रह कराया कि जनता उसके पक्ष में मतदान करेगी, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। पिनोसे के चुनाव में बुरी हार हुई और चिले में लोकतंत्र की पुनः वापसी हुई। मिशेल बैशेले वहां के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो आप देखते हैं किस तरीके से एक बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंदे, जो चिले के राष्ट्रपति थे, उनकी शासन इतना अच्छा शासन होने के बाद भी ऑगस्टो पिनोसे ने उनके शासन को समाप्त कर दिया और उन्होंने 17 साल तक अपने शासन को बना के रखा। लेकिन जब जनमत संग्रह कराया गया तो जनता ने फिर उस लोकतंत्र में अपनी आस्था प्रकट की और मिशेल बैशेले वहां के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ओके।